नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग ब्यूटफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ इनसे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई है और इन्होंने मुझे लिख के भी भेजी है तो मैंने जो इसका मेथड है ना लव वाइब्रेशन से आ, कैसे इनका जो रिश्ता है वो वापस से ब्यूटीफुल हुआ है वो मैंने शेयर कर दिया है तो मैंने सोचा कि इसी से रिलेटेड जो इनकी खुद की सक्सेस स्टोरी आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ इन्होंने ना पर्सनली मुझे ना आ, नाम शेयर करने के लिए मना किया हुआ है इसलिए मैं ना इनका नाम जो है यहाँ पर नहीं शेयर कर सकती हूँ इन्होंने लिखा है कि आपने बोला कि लिख करके के भेजो इसलिए मैं लिख करके के भेज रही हूँ आप मेरा नाम नहीं डालना मैं यहाँ पर भी याद दिला रही हूँ आपको फ़ोन पे भी मैंने बोला था प्लीज़ श्याम्बी दीदी प्लीज़ आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अगर अब आपका मन करे तो प्लीज़ सबको पढ़क करके ज़रूर सुनाइएगा क्योंकि मेरी लाइफ बदल गई है मेरा छः साल का रिलेशन था और छः साल के बाद में बहुत सारे स्ट्रगल हम दोनों ने देखे रिलेशनशिप में इस बीच में बहुत बार ऑन एंड ऑफ भी हुआ हम दोनों के रिलेशन में बहुत सारी लड़ाई झगड़े और भी बहुत सब कुछ हुआ दो बार तो फैमिलीज़ बीच में आई और फिर गईं ये सब कुछ भी हुआ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोगों ने देखी है लेकिन उसके बाद में भी हम दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया और हम दोनों की इंगेजमेंट हुई शादी के छः साल के बाद में और हम दोनों ही इस बात को लेकर के बहुत खुश थे लेकिन पता नहीं एंगेजमेंट के बाद से ही मेरे पार्टनर का बिहेवियर कुछ चेंज सा हो गया था और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने ये बात बोल दी थी कि हमें एंगेजमेंट तो क्या हमें शादी तक भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि नहीं लग रहा कि हम कंपैटिबल हैं आगे कैसे चीज़ें चलेंगी हम किसी तरह से खींच खींच करके यहाँ तक ले तो आए हैं पर शादी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है मुझे सच में ठीक नहीं लग रहा वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे मैं उनके सामने रो रही थी और बोल रही थी नहीं प्लीज़ ऐसा मत बोलो बहुत मुश्किल से हम दोनों की इंगेजमेंट हुई है हम अपने रिश्ते को यहाँ तक लाए हैं अब तो पूरे परिवार भी खुशी खुशी से इन्वॉल्व हो गए हैं ऐसा मत करो। लेकिन ऐसा हुआ आपने भी मुझे फ़ोन पर बताया था कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि आ, फोन पर बताया था फोन वाली बात में एक बात आप आगे क्लियर करती हूं उनको कि ऐसा इसलिए हुआ है कि आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करो इस इंसान के बिना भी आप अपनी लाइफ को देखना शुरू करो और ये मेरे माइंड में क्लिक हो गई इसे मैं सक्सेस स्टोरी में ऐड कर रही हूँ सच में अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद मैंने अपने आप को हील करने की कभी ना सोची होती अपनी लाइफ उस इंसान के बिना कभी देखने की कल्पना भी नहीं की होती पर ऐसा हुआ इस वजह से मैं अपने आप को पूरी तरह से हील कर पाई हूँ और ये देख पाई हूँ कि उसके बिना भी मेरी लाइफ है क्योंकि जब मैंने ये देखना शुरू किया उसके बाद ही मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ श्याम्भवी दीदी आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया आपने मुझे पहले हीलिंग में उतारा दिन में मैंने तीन बार हो पुनः पुनः प्रेयर की जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा उसके बाद क्योंकि मैं विजुअलाइजेशन में कमज़ोर थी इसलिए आपने मुझे लव वाइब्रेशन के साथ वीडियो में जैसे बताते हो फोटो को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दिया और उसके बाद में अपने आप ही वो फ़ोटो वाला चेहरा मेरे आंख बंद करते ही विजुअलाइजेशन में आने लग जाता था स्लोली स्लोली मैंने आपकी बात मान के वो फ़ोटो वाला चेहरा हटा के उनके सोल के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैंने सोल के साथ कनेक्ट करना शुरू किया था मुझे तभी से रिलैक्स होना शुरू हो गया था और बहुत जल्दी ही वो टाइम आ गया जब मेरा मन ही नहीं करता था और ऐसे लगता था कि मुझे नहीं करना है मैं अब नहीं करना चाहती अब मेरे साथ ये इंसान रिश्ते में रहना चाहे या नहीं चाहे उसको जब खुद ही कंपैटिबल नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती खींच करके रिश्ते में रखने का कोई मतलब भी नहीं है ठीक है जाने देते हैं आपको ये बात मैंने बताई थी तब आपने कहा था कि लेट गो कर दो तो। मैंने सारी चीज़ों को छोड़ ही दिया था ऐसे भी मेरा मन नहीं कर रहा था तो लेट गो हो गया लेकिन फिर भी मैं हो पोनो पोनो पेयर करती रही मैंने तीन चार चीज़ें इसके साथ ऐड कर दी थी शैम्पू भी दीदी आपको भी नाम बताए लेकिन आपको मैं कंटिन्यू अपडेट देती रही कि मैंने वर्कआउट लेना शुरू कर दिया था डीप ब्रीदिंग भी मैंने अपनी मर्जी से ही करनी शुरू कर दी थी जादू प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एफमेशन को लिखना ग्रैटिट्यूड फॉलो करना ग्रैटिट्यूड वॉक करना ये सब मैंने अपने आप से शुरू कर दिया था और तीन बार हो पोनो पोनो प्रेर करती थी और इसके बाद ही मुझे रिजल्ट आ गया मेरे पार्टनर ने ख़ुद ही बोला मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ हमसे बड़ा कोई कंपैटिबल हो ही नहीं सकता है चल शादी कर लेते हैं और अब कोई भी बात हम दोनों के बीच में रही नहीं है और रिलेशन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है ही लव्स मी वेरी मच उन्होंने बहुत ज़्यादा रो करके मुझे आई लव यू का मैसेज किया ही क्राइड लॉट थैंक यू सो मच शाम्भवी दीदी मेरा रिश्ता हिल हो गया थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस मैं इतना बता सकती हूँ ये जो स्टोरी है ये भोले बाबा की नगरी से आई है हमारे पास में सो so, हर हर महादेव ओके जी तो ये जो सक्सेस स्टोरी के अंदर आप देख रहे हो ना सारा हीलिंग पार्ट कैसे मेथड है क्या है मैंने सारी चीज़ें ना डिटेल में समझाई हैं वीडियो में भी मैंने समझा दिया है कि आप इस मेथड को एक्चुअली कैसे कर सकते हो जैसे मैंने एग्जैक्टली exactly इनको करवाया इनकी सक्सेस स्टोरी वही मैथड फॉलो करने से बनी है अगर आपके भी रिलेशन में ऐसे हो गया है पता नहीं चल रहा आपको ऐसे क्यों हो गया है तो डेफिनेटली आप इसे करके देख सकते हो डिटैच हो सकते हो लेट गो कर सकते हो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेंगे और आपको वो सफलता जरूर मिलेगी अपना अपना रखिए ख्याल अपने आपसे खींचे ठीक है सारा प्यारैक्ट करो ठीक सारा प्यार टाटा